हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं हूं नबील। आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों दुनिया के नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन के बारे में। और ये जो दुनिया का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन है, ये कोई एक क्वार्टर की बात नहीं बता रहा आपको, चार चार क्वार्टर्स यानी कि पूरा एक साल तक दुनिया का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। एक क्वार्टर का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। एक साल में होते हैं 12 महीने। इन 12 महीनों को जो है चार क्वार्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3। 3 महीने का होता है एक क्वार्टर, और हर क्वार्टर के बाद जो है उसकी सेल्स फिगर की रिपोर्ट बाहर आती है, जिसमें हमको पता चल जाता है कि कौन से स्मार्टफोन ने किस तरीके से परफॉर्म किया, क्या अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, कौन सा रहा नंबर वन, कौन सा रहा नंबर टू, कौन सा रहा नंबर थ्री। इसी तरीके से टॉप 10 की लिस्ट आती है, टॉप 50 की लिस्ट आती है, जितनी चाहे आप उतनी लिस्ट उसकी निकाल सकते हो। तो 2018 के क्वार्टर 4 से लेके 2019 का क्वार्टर 3, अभी हम लोग 2019 के क्वार्टर 4 में है, जिसका रिजल्ट 2020 के क्वार्टर 1 में आपको देखने मिलने वाला है। तो 2018 का क्वार्टर 4 से लेके 2019 के क्वार्टर 3 तक, यानी कि चार चार क्वार्टर्स तक, दुनिया का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो iOS हो, वो रहा है नन अदर देन iPhone XR। सोचिए, ये वही iPhone XR है जब ये लॉन्च हुआ, जब ये मार्केट में आया 2018 के अंदर। तो इंडिया के हमारे सारे यूट्यूबर्स जो मोस्टली एंड्रॉयड ही कवर करते हैं, उन्होंने शुरू कर दी इसकी बुराइयां करने के लिए। मैक्सिमम लोग तो अपने ओपिनियन दे देते हैं, बहुत बड़े उनके ओपिनियंस होते हैं, और जिन लोगों को अनबॉक्स करने का मौका मिला, उन्होंने इसकी बुराई की, इसका डब्बा फेंका। क्यों? क्योंकि इसका जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन था वो 1080p नहीं था, 828 पिक्सल्स था। और सेकंड चीज़, इसके अंदर जो चार्जर आया था वो 5 वॉट का चार्जर था। लेकिन उन यूट्यूबर्स की हिपोक्रेसी यानी कि मुनाफेकत देखिए आप, उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो देखिए। अगले साल 2019 में जब आईफोन 11 आया, अब iPhone XR और आईफोन 11 में क्या फ़र्क है आप लोग जानते ही है। मेन फ़र्क है कैमरा का, दूसरा फ़र्क है चिपसेट का। iPhone XR का जो A12 है वो भी बहुत ही अच्छा है। आज के टाइम में कोई भी फ़र्क आपको डे टू डे मल्टीटास्किंग हर चीज़ में कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। और डिस्प्ले भी दोनों का सेम था, और दोनों में 5 वॉट का चार्जर आया था। लेकिन इसका डब्बा फेंका गया, इसका डब्बा नहीं फेंका गया, इसकी तारीफ की गई, इसको पीच बोला गया, इसको मॉन्स्टर बोला गया। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि बेसिक सी बात इतनी ही है कि जो यूट्यूबर्स है वो खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सेल्स फिगर जो है वो खरीदे नहीं जा सकते। 2018 से लेकर 2019 का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन, ये जो रिपोर्ट है ये देख लीजिए आप, सेल्स रिपोर्ट है काउंटर पॉइंट की। नंबर वन है iPhone XR। iPhone XR के बाद आता है गैलेक्सी के मिड रेंज स्मार्टफोन्स, उसके बाद ओप्पो का A9, कोई भी जो है एंड्रॉयड का फ्लैगशिप फोन्स, जिसकी हम लोग जो है इंडिया के अंदर पूजा कर रहे हैं, लोग जो यूट्यूबर्स है वन प्लस कर रहे हैं, और बाकी सारे फोन्स को यहाँ पे बोल पूजा जा रहा है, लेकिन उनका जो है नामो निशान भी नहीं है इस रिपोर्ट के अंदर। और 5th पोजीशन पे, ये कमाल की बात है, जो फ़ोन को क्वार्टर 3 मिला ही नहीं, पूरा क्वार्टर 3 के मिड में वो जो है लॉन्च हुआ, लोगों को मिलने लगा, वो है हमारा iPhone 11। और iPhone 11 का परफॉर्मेंस देखिए आप, 5th पोजीशन इसने जो है क्वार्टर 3 के अंदर पूरे दुनिया के सेल्स फिगर में पा लिए। मतलब इसका फ्यूचर क्या आप सोच सकते हो, ये जो है दूसरा iPhone XR ही है। ये भी जो है किलर पोजीशन हमेशा अपना मेंटेन करके रखने वाला है iPhone XR की तरह। अब यहाँ पे ये देखने की बात है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो दोनों स्मार्टफोन्स है, इसमें ऐसी क्या खास बात है कि ये जो है नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन बन गया, खास करके iPhone XR। यहाँ पे जो लोग जो है पहले से आईफोन इस्तेमाल करें, वो इस टाइप के जो है बटन वाले टाइप के आईफोन्स जिसके अंदर टच आईडी सेंसर है, वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि iPhone 10 से पहले आते थे iPhone 8 Plus तक, वो आईफोन्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग आज भी उन आईफोन्स के साथ खुश है। लेकिन जिन लोगों को एक मॉडर्न आईफोन चाहिए, जो लोग एंड्रॉयड के फ्लैगशिप से जो है आईफोन्स पे जाना चाहते हैं, एप्पल के इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं, जिन लोगों को जेस्चर बेस्ड नेविगेशन चाहिए, जिन लोगों को एक रोबस्ट फोन चाहिए, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए, टॉप ऑफ द लाइन कैमरा चाहिए, वो लोगों को सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखती है इन आईफोन्स के अंदर। और अगर आपने नहीं देखा मेरा वीडियो जिसमें मैंने iPhone 11 के डिस्प्ले के बारे में बताया है, iPhone 11 iPhone 10 के अंदर सेम डिस्प्ले आता है, LCD पैनल आता है, AMOLED डिस्प्ले नहीं आता है जो एंड्रॉयड के 15,000 के 10,000 के फ़ोन्स में आता है, लेकिन इनके डिस्प्ले जो है बहुत अच्छे है। और मैं पर्सनली जो है OLED पैनल से, मेरे पास पहले iPhone 10 था, उससे मैंने iPhone 11 पे शिफ्ट किया है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट इसका जो डिस्प्ले साइज़ है एकदम परफेक्ट है, 6.1 इंचेस का। इसका परफॉर्मेंस अमेजिंग है, इसके कैमरा जो है आउट ऑफ द माइंड है, ब्लो अवे कर देता है पूरे कंपटीशन को, और इसकी बैटरी लाइफ जो है आउटस्टैंडिंग है। और यही सारी चीज़ें जो है आपको iPhone XR में मिल जाती है। iPhone XR का आज के टाइम में जो प्राइस है वर्ल्ड का बेस्ट प्राइस है जो इंडिया में मिलता है, और iPhone XR जो है इसीलिए बन गया है वर्ल्ड का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन।
तो आपके दिमाग में दोस्तों अभी भी अगर डाउट आता है कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करेगी, क्या अभी भी आपको लगता है कि अगर आपको आईफोन 10 लेना है आईफोन 10R की जगह, आप बहुत गलत जा रहे हो। आईफोन 10R जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और इन यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़ना, बिना सोचे समझे बिना इस्तेमाल किए ये लोग जो है कुछ भी बोलते रहते हैं। एक यूट्यूबर को यहाँ तक बोलते हुए मैंने सुना, बहुत बड़ा यूट्यूबर है, और ऐसे लोगों को जो है रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आप लोग क्या सोचते हो आप लोग लिख के बताओ। उसका बोलना ऐसा है कि सेलिब्रिटीज़, बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग आईफोन्स इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग टेक सैवी नहीं होते, उनको टेक की मालूमात नहीं होती है। जो टेक सैवी लोग होते हैं वो लोग एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं, और जो लोगों को टेक की मालूमात नहीं होती है वो लोग अपने बस किसी के सजेशन पे आईफोन ले लेते हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी सिंपल हो जाए। आपको लगता है क्या वो ऐसे ही सक्सेसफुल बन गए उनको टेक की नॉलेज के बिना? क्या वो इतने स्मार्ट नहीं है? क्या उन्होंने आपसे ज़्यादा सक्सेस हासिल नहीं की है? तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, और वो लोग भी समझदार है कि उनको भी पता है किस चीज़ में अपना पैसा लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगा, सबसे ज़्यादा बैंग फॉर द बक होगा। तो आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों इस सब के बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें से कुछ रीजंस मैंने बताया। आपको क्या लगता है क्या रीज़न है आईफोन 10R का दुनिया का नंबर वन सेलिंग स्मार्टफोन बनने का पिछले 4 quarters में? इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद होगा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।